इन्फिनिक्स ने लास्ट ईयर अपने इन्फिनिक्स नोट 30 स्मार्टफोन को लॉन्च किया था और वो इतना काफी कमाल का स्मार्टफोन था, आई मीन 15 से 17 हजार के अंदर मिला था और उसने मार्केट के अंदर काफी अच्छा कमाल भी किया था, आई मीन काफी सारे स्मार्टफोन को बीट किया था। और फाइनली आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 40 स्मार्टफोन, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साथ ही दोस्तों स्पेक्स मैं आपको बताऊंगा, प्राइसिंग भी बताऊंगा और कब तक ये इंडिया में आने वाला है, सारी चीजों के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस स्मार्टफोन की सबसे पहले अनबॉक्सिंग की वीडियो बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का बॉक्स देख मिलेगा और बॉक्स टिपिकली वैसा ही देख मिलेगा जैसे कि हमें इन्फिनिक्स के ज्यादातर देखने मिलते हैं, आई मीन ग्रीन कलर के बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज है जो कि इन्फिनिक्स अपने हर एक स्मार्टफोन के साथ देता है, वायरलेस चार्जर वगैरह वो चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, साथ ही हमारा स्मार्टफोन तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। तो ये वो अनबॉक्सिंग वीडियो थी जो कि यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 40 की हमें देखने को मिल जाती है, आई मीन यहाँ पर क्या कुछ बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ स्मार्टफोन के स्पेक्स की तरफ और उसके बाद मैं आपको इसकी प्राइसिंग एंड लॉन्च रेट बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन की तो बैक में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का डिजाइन हमें देखने को मिलने वाला है, टिपिकली मतलब जो नोट सीरीज का अभी हमने देखा था नोट 40 प्रो, लास्ट ईयर हमने देखा था नोट 30, तो उनसे कुछ मिलता जुलता डिजाइन यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। बैक साइड का स्मार्टफोन है थोड़े बॉक्सी डिजाइन के साथ हमें देखने जाता है और यहाँ पर ड्यूल स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आई मीन जो स्पीकर्स की क्वालिटी होगी वो भी हमें काफी कमाल की देखने मिलेगी। एंड फ्रंट साइड में आता हूं तो मिड कंसोल डिस्प्ले देखने मिलेगी, ये जो डिस्प्ले होगी फ्लैट डिस्प्ले रहने वाली यहाँ पर और यहाँ पर हमें LTPS AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और 1000 nits प्लस का आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, बैलेंस होंगे काफी हद तक कम देखने को मिल जाएंगे, यानी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो भाई ओवरऑल कलर्स वाइज व्यूज एंगल वाइज काफी बेहतरीन हमें देखने को मिल जाएगी। और काफी सारे दोस्त पूछते हैं कि क्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाले यहाँ पर, जी दोस्तों यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरा की, कैमरे की बात करो तो ड्यूल रियर कैमरा के साथ जो स्मार्टफोन आ रहा है जिसमें प्राइमरी कैमरा 108 MP 22 MP एंड सेल्फी 32 MP की सेल्फी देखने को जाएगी। अगर मैं कैमरा की बात करूँ ना तो प्राइसिंग के हिसाब से ओके यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई सेंसर्स वगैरह हालांकि इन्फिनिक्स ने नहीं बताया कि कौन सा सेंसर देख मिलेगा, फिर भी अगर मैं बात करूं इस प्राइसिंग वाले दूसरे स्मार्टफोन की, देखो सोनी के सेंसर्स तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, मे बी सैमसंग का सेंसर देख मिल जाए या कोई और सेंसर देख मिल जाए। और आपको बताया इस प्राइसिंग में ऑलरेडी हमें काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं जो कि बेहतरीन से बेहतरीन सेंसर के साथ आते हैं या बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के साथ आते हैं, तो हाँ हम एक चीज यहाँ पर मान सकते हैं जो ये स्मार्टफोन होगा कैमरा के मामले में एवरेज ही रहने वाला है। बात करता हूँ दोस्तों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो ये स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 चिपसेट के साथ, आई मीन ये स्मार्टफोन एक 5G चिपसेट के साथ आने वाला है और ये चीज मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे दोस्त ये मान रहे थे कि जो ये स्मार्टफोन होगा 4G स्मार्टफोन होगा, नहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन 4G नहीं होगा, 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं अदर चीजों की बात करूँ तो यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स का चीता X1 चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि इसकी परफॉर्मेंस को कुछ हद तक और भी बूस्ट करने वाला है, और यहाँ पर ये इसकी परफॉर्मेंस को ही बूस्ट नहीं करेगा, इसकी चार्जिंग वगैरह में जो वायरलेस चार्जिंग वगैरह यहाँ पर सपोर्ट करवाते हैं इन्फिनिक्स उनमें भी काफी हद तक हेल्प करवाने वाला है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं गेमिंग की बात करूँ ना, देखो ये बात तो मैं नहीं कहूंगा कि इस प्राइसिंग में बिल्कुल ही फाड़ू गेमिंग करवाएगा या भाई एकदम से गेमिंग के लिए किलर स्मार्टफोन होगा, लेकिन अच्छी गेमिंग करवा देगा इतना हम यहाँ पर जरूर कह सकते हैं। लास्ट एंड फाइनली अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो 5000mAh की बैटरी मिलेगी, 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने मिलेगा जो कि 15W तक का होगा एंड रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो बैटरी बैकअप बताया जा रहा है काफी अच्छा हमें देखने को मिल जाएगा जिसमें नॉर्मल यूज अगर आप करोगे तो एक दिन तक का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल सकता है। ये थे दोस्तों सारे स्पेक्स स्मार्टफोन के जो कि मैंने आपको बताए, साथ ही अगर मैं लॉन्चिंग डेट की बात करूं 21 जून के आसपास दोस्तों ये स्मार्टफोन में इंडिया में देखने को मिल सकता है और प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों 17 से 20 हजार के अंदर ये स्मार्टफोन आने वाला है। अभी बात करते हैं कि क्या 17 से 20 हजार के अंदर ये स्मार्टफोन अच्छा है, देखो हाँ यार ये एक चीज कह सकते हैं स्मार्टफोन बिल्कुल अच्छा रहने वाला है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस प्राइसिंग में बिल्कुल ही किलर स्मार्टफोन होगा या भाई स्मार्टफोन को कोई टक्कर नहीं दे सकता, नहीं इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस स्मार्टफोन का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इस प्राइसिंग वाले लगभग हर एक स्मार्टफोन के साथ हम इस स्मार्टफोन को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।